हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल करी प्यूरी। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का बहुत ही सिंपल स्नैक, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और ऐसे लगेगा कि जैसे आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बहुत इजी रेसिपीज देखने के लिए, तो हमने ले लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये चिकन विद बोन है। इसमें ऐड कर रहे हैं हम 3 टीस्पून दही के। मैंने फ्रेश दही यूज किया है, घर का जमाया हुआ है, मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ करीब 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से एक बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आती है मैरिनेशन की। और फिर हमने डाला है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हम मैरिनेशन में ही सारे मसाले ऐड कर देंगे। हमने ऐड किया है नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून चाट मसाला एक चटपटे फ्लेवर के लिए। सारे मसाले और दही को अच्छे से चिकन में हम कोट कर लेंगे और ये मैरिनेशन हमारा तैयार है। इसको साइड रख देंगे हम कुछ 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, उससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। एक पैन में लिया है हमने 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल और ऐड करेंगे इसमें मैरिनेटेड चिकन, जिसको कि हम पकाएंगे दोनों साइडों से अच्छे से। गैस मीडियम फ्लेम पे होनी चाहिए। और ये देखिए चिकन हमने सारा लगा दिया है पैन में। चिकन की एक साइड रोस्ट होने में लगेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। सारे चिकन के पीसेस मैंने टर्न कर लिए हैं दूसरी साइड से भी। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। चारों साइड से चिकन को पकाने के बाद हम इसको ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारे मैरिनेशन और मसाले के फ्लेवर्स चिकन के अंदर तक जाएं और चिकन अच्छे से पक जाएं। तो देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल तंदूरी चिकन वाला फ्लेवर आएगा इससे। एक बार ही ज़रूर ट्राई करिए और मुझे भी बताना कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम बनाने जाएंगे सॉस। सेम पैन में ऑयल हमारा बचा हुआ है, उसमें ऐड करेंगे हम 5 से 6 कलियां चॉप की हुई लहसुन की। गैस हमारी लो मीडियम फ्लेम पे होनी चाहिए कि लहसुन जले ना। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें चॉप की हुई ग्रीन चिली। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग, जैसा आप पसंद करते हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून टोमेटो केचप और आधा टीस्पून सोया सॉस। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए गार्लिक सॉस भी हमारी तैयार है सिर्फ 2 से 3 मिनट में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हमारा फ्राई किया हुआ चिकन। सॉस और चिकन को अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए एक बहुत ही अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी चिकन के ऊपर, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और टेम्पटिंग लग रही है खाने के लिए। रोस्टेड चिकन एंड गार्लिक सॉस बिल्कुल तैयार है। कैसा लग रहा है आपको देखने में? लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग और डिलिशियस। गार्निश करेंगे ऊपर से फ्रेश धनिया पत्ते के साथ। गैस कर देंगे ऑफ और ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे लेमन ड्रॉप्स। मैंने इसमें यूज किया है 1 नींबू का रस। और देखिए रोस्टेड चिकन एंड गार्लिक सॉस बिल्कुल तैयार है। सर्व करिए अपने प्लेटर में अपने गेस्ट को, फैमिली मेंबर्स को, इंजॉय करिए। और मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू मेरी करी प्यूरी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। स्टे कनेक्टेड, हैप्पी कुकिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।